कोरोना महामारी के दौरान आई तबाही ने पूरे विश्व को ऐसे चिंताग्रस्त किया कि आज तक उसका असर दिख रहा है और अब तो ओमिक्रोन ने भी अपने पैर पसारने शुरू कर दिए हैं। ऐसे में जहां कोरोना के नियमों का पालन करना और ज्यादा जरूरी हो जाता है तो वहीं लोगों में और ज्यादा लापरवाही नजर आ रही है। पिछले 2 साल से कोरोना के चलते जिस गीता महोत्सव के आयोजन को टाला जा रहा था वहीं इस साल उसके आयोजित होने से लोगों में इसकी बेहद खुशी देखी जा सकती है। लोग इस कदर खुश हैं कि उन्होंने कोविड को हल्के में लेना शुरू कर दिया है। धर्मनगरी कुरुक्षेत्र में अंतर्राष्ट्रीय गीता महोत्सव तेजी पर है और साथ ही कोरोना के नए वेरिएंट ओमिक्रॉन वायरस का खतरा भी सिर पर मंडरा रहा है। इस चिंताजनक स्थिति के बीच भी लोगों की भारी भीड़ उमड़ती दिख रही है। इस समारोह में सोशल डिस्टेंसिंग के धज्जे उड़ने के साथ साथ ज्यादातर लोग मास्क पहनना भी जरूरी नहीं समझ रहे हैं। भले ही प्रशासन ने निःशुल्क मास्क वितरित कराने की व्यवस्था कर रखी है लेकिन समारोह में आने वाले ज्यादातर लोग मास्क पहनना अपनी शान के खिलाफ समझ रहे हैं। करनाल से आई मिष्टी शर्मा बताती हैं कि महोत्सव में देखने को बहुत कुछ है लेकिन लोग मास्क नहीं लगा रहे हैं। उनका कहना है कि लोगों को सोशल डिस्टेंसिंग का पालन करना चाहिए लेकिन जयंती समारोह में इन सब बातों की अवहेलना होती हुई दिख रही है। कुछ लोग तो ऐसे भी मिले जिन्होंने खुद मास्क नहीं लगाया और उनसे जब ये सवाल पूछा गया तो वो चुप्पी साध गए। मैं ये कहूंगी यहाँ पे भी ऐसे बहुत लोग हैं जिनके हाथ में भी मास्क नहीं है, तो पहले तो वो मास्क लगाए बिकॉज नया वेरिएंट आ चुका है जो बहुत जल्दी से फैलता है। दूसरा, पूरी सावधानी से आए, पूरी सावधानी से रहे, सैनिटाइजर जरूर अपने साथ रखें और मास्क बिल्कुल ना। और साथ के साथ ये कोरोना के भी जो प्रोटोकॉल्स हैं उसको भी फॉलो किया जा रहा है। इंडिविजुअल लेवल पे हम जो अपने खुद की सेफ्टी के लिए मास्क यूज कर सकते हैं हम कर रहे हैं। और साथ आए हाँ, मेरी फैमिली भी साथ में आई है, भाई लोग आए हैं साथ में और गीता जयंती महोत्सव में आया हूँ। जैसे कि आप लोगों को पता है कोविड के चलते ये 2 साल से नहीं हुई है और आप जैसे कि देख सकते हैं यहाँ पे बहुत सारी पब्लिक है जो विभिन्न स्टॉलों की ओर जा रही है, आकर्षित हो रही है और यहाँ सफाई का भी आप बहुत ध्यान रखा गया है और यहाँ पे आके मुझे बहुत अच्छा लगा है और मैं चाहता हूँ कि भाई और भी लोग आएँ और देखें। हमारे कुरुक्षेत्र में बहुत अच्छा प्रोग्राम आयोजित किया गया है जो हर साल होता है पर 2 साल से नहीं हो रहा था। उपायुक्त मुकुल कुमार कहते हैं कि कोविड का खतरा अभी टला नहीं है। जिला प्रशासन ने लोगों को मास्क का निःशुल्क वितरण किया और उन्हें आगाह किया और कहा वो मास्क पहने और साथ ही सैनिटाइजर का प्रयोग करें। खत्म नहीं हुआ है तो इसको बिल्कुल लाइटली ना लें और सरकार की तरफ से जो भी दिशा निर्देश दिए जाते हैं मास्क संबंधी, सैनिटाइजेशन संबंधी, उसका पूरा पालन करें। और मेरे क्षेत्र में हम लगातार फ्री मास्क का डिस्ट्रीब्यूशन भी कर रहे हैं ताकि जिस किसी के पास मास्क नहीं है वो यूज़ कर सके। इस तरह आप देख रहे हैं कि आज बहुत बड़ी संख्या में लोग आए हुए हैं और हरियाणा की संस्कृति के आयाम है, जो पहलू है, उनको इसमें प्रेजेंट किया जा रहा है कि मेरा मानना है कि आने वाले दिनों में और भी दर्शक आएंगे। वहीं लोगों का ये भी कहना है कि कोविड के चलते पिछले 2 सालों से गीता महोत्सव आयोजित नहीं हुआ और उसके बाद भी कोरोना के नियमों का मजाक समझ हल्के में लेना अपने आप में ही एक बहुत बड़ा चिंता का विषय है। राजीव अरोड़ा, टोटल न्यूज़, कुरुक्षेत्र।